हाय दोस्तों, मैं हूं सुब्रत। मैं आ गया गैलेक्सी स्टार पर नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है टीवी के रिपेयर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक टीवी है जिसमें नो पिक्चर और प्लेन रास्टर दिखा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैंने टीवी का बैक कवर खोल लिया है। उसके बाद हम वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे। तो दोस्तों, टीवी के बोर्ड में जो 110 वोल्ट होता है, यानी 110 वोल्ट जो वोल्ट होता है वो बेस बोर्ड में ही रहता है। टीवी का जो पिक्चर ट्यूब का बेस बोर्ड होता है उसमें भी रहता है। तो हम चेक करेंगे वो 100 वोल्ट आया कि नहीं। तो पहले हम एक रजिस्टर है जिसके इनपुट में वो वोल्ट रहता है, तो इनपुट को हम चेक करते हैं। तो इनपुट में वोल्ट है। इसके बाद हम आउटपुट में भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो आउटपुट है उसमें वोल्ट नहीं आया। तो दोस्तों, इस रजिस्टर को चेक करना पड़ेगा खोल के। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम है तो हमको पता चलेगा। कि पहले तो हम रजिस्टर को चेक करेंगे। इसके लिए हमको रजिस्टर को उतारना पड़ेगा बोर्ड से। तो पहले हम रजिस्टर को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, अब वो ये जो रजिस्टर देख रहे हैं इसको हम ओपन करके चेक करेंगे। तो दोस्तों, इस रजिस्टर तो हमको चेक करने से पता चला है रजिस्टर का प्रॉब्लम है। तो हम एक नया वाला रजिस्टर लगाएंगे इधर। तो दोस्तों, इसको ठीक से अब कनेक्शन कीजिए। तो दोस्तों, जो रजिस्टर था उसका मैं थोड़ा सा जो वाट था वो मैंने चेंज कर दिया। इसके बाद हम सोल्डरिंग करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो सोल्डर है वो हो गया है।
इसके बाद हम बेस को ठीक से लगाएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। दोस्तों ये ठीक हो गया क्योंकि अभी स्नो आ रहा है, प्लेन रास्टर नहीं आया। तो दोस्तों हम वीडियो चला के देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये वीडियो चल रहा है, तो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो दोस्तों मेरे चैनल पे और वीडियो है टीवी के बारे में, टीवी रिपेयर के बारे में। तो दोस्तों वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों थैंक यू।